हे गाइस और सब वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस इस वाले वीडियो पे मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप कैसे गेम लूप को ऑप्टिमाइज कर सकते हो, ठीक है, विदाउट लैग कैसे खेल सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं। तो आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है एक एक चीज़। अगर आपके पास लो एंड पीसी है विदाउट ग्राफिक्स कार्ड है, अगर आपके पास मिड रेंज का पीसी है ग्राफिक्स कार्ड है 1 GB या 2 GB, तो आप कैसे खेल सकते हो बिना लैग के, ठीक है। तो इस वाले वीडियो को पूरा फर्स्ट से लेकर अंत तक देखना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, आपको जस्ट कॉपी कर लेना, ठीक है। तो पहला तो आपको सर्च करना है पावर मैनेजमेंट, जाने के बाद आपको यहाँ पर एडिशनल पावर सेटिंग्स, वहाँ पर जाने के बाद आपको यहाँ पर बैलेंस मोड रहेगा, आपको सिंपल हाई परफॉर्मेंस सेलेक्ट करना है, क्योंकि अपने को चाहिए बहुत अच्छा सा परफॉर्मेंस, ना कि बैलेंस। बैलेंस मतलब रुक रुक के चलता है पीसी, ठीक है। हाई परफॉर्मेंस मतलब फुल पोटेंशियल पे आप चलाते हो अपने पीसी को, तो आपको हाई परफॉर्मेंस कर देना है। तो चलिए सेकेंड स्टेप पे। तो सेकेंड स्टेप पे जिन लोगों के पास 1 GB या 2 GB का ग्राफिक्स कार्ड है एनवीडिया का, तो वो आपको एनवीडिया का सेटिंग्स ओपन करना है। ओपन करने के बाद मैनेज सिटी सेटिंग्स पे आना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको पावर मैनेजमेंट मोड दिखेगा, इसे आप प्रीफेयर मैक्स परफॉर्मेंस कर दीजिए और टेक्सचर फिल्टर क्वालिटी को आपको हाई परफॉर्मेंस कर देना है। इससे होगा कि आपका परफॉर्मेंस सबसे आपका फुल पोटेंशियल से आपको ग्राफिक्स कार्ड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अप्लाई करने के बाद आपको क्लोज कर देना है। जो थर्ड स्टेप आपको ये करना है, विंडोज 10 पे जाके सर्च करना है ग्राफिक्स सेटिंग सर्च करना है, ठीक है। ग्राफिक्स सेटिंग सर्च करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस आएगा, क्लासिक और यूनिवर्सल दिखेगा, ठीक है। क्लासिक पे यही होता है कि आपका ग्राफिक्स कार्ड जिन जिन चीज़ को आप क्लासिक पे ऐड कर रहे हो वो सब आपका ग्राफिक्स कार्ड का पावर लेगा, ठीक है। और यूनिवर्सल का मतलब यही होता है कि आपको जो बैकग्राउंड पे चलता है, जैसे मेरा एडोब चलता है, ऑफिस चलता है, ये सब एक्सेल एज क्रोम ऐसा चलता है ना, ये सब आपका जीपीयू का पावर मतलब ये सब पावर चलता है, सब लेता है यूनिवर्सल, ठीक है। तो आपको सिंपली क्लासिक पे क्लिक करना है और ब्राउज करना है। तो आपका जहाँ पर गेम लूप आप डाउनलोड करके रखा हो तो उसे जाके आप सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। वैसे मैं गेम को सेव करता हूँ डी ड्राइव पे, तो डी टाइप चलते हैं, उस पर लिखा आएगा टेम्प, ऊपर टीज गेम डाउनलोड, उसके बाद कंपोनेंट एंड उसके बाद ऐप मार्केट सेटअप। तो यहाँ पर आपको दिखेगा गेम लूप, तो आपको सिंपली गेम लूप पे सिलेक्ट करके ऐड कर देना है। करने के बाद मैंने 3 चीज़ को ऐड करके रखा है, जैसे पबजी पीसी और OBS अपना जो स्ट्रीम चलता है, वो मैं चाहता हूँ कि अपना ग्राफिक्स फुल पोटेंशियल तो ग्राफिक्स कार्ड से चले, ठीक है। जैसे मेरे पास 1050 Ti और i3 का प्रोसेसर, इतना हाई रेंज भी नहीं है, मतलब एकदम नॉर्मल है। तो मुझे पता है लैग नाम का क्या चीज़ है भाई, जब बंदा आता है बहुत सारे लैग करता है, ठीक है। फोर्थ स्टेप आपको चलना है अपना जिस पीसी की तरह, वहाँ पर जाने के बाद आपको राइट क्लिक प्रॉपर्टीज करना है, करने के बाद एडिशनल सिस्टम सेटिंग्स एंड देन यहाँ पर चलना है एडवांस देन सेटिंग्स। यहाँ पर आपको एडवांस फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस कर देना है, क्योंकि इसे आप करने से यही होगा कि आपका बैकग्राउंड पे जो रैम यूजेस हो रहा है, ठीक है, सब मतलब एकदम सब बंद हो जाए, ठीक है, ओनली आपका गेम लूप चले, और चलते चले अपना गेम लूप का परफॉर्मेंस ज़्यादा मिलेगा अगर आप ये कर दोगे, ठीक है। तो इसे अप्लाई कर देना है, उसके बाद एडवांस पे जाना है। जाने के बाद प्रोग्राम दिखेगा, तो सिंपल आपको अगर आपके पास 4 GB रैम है, ठीक है, 4 GB रैम है, आपको 8 GB कर देना है, यहाँ पर जस्ट आपको बढ़ाना है, ठीक है। इससे होगा कि आपका सी ड्राइव बहुत जल्दी जल्दी फास्ट काम करे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर चेंज पे क्लिक करने के बाद इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आता, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर टिक मार लगेगा, इसे अनचिक करके आपको 8 और 9 कर देना है, 8 और 9 सिंपली 8 GB कर देना है। करने के बाद आपको ओके कर देना है। करने के बाद आपको आपका पी सिस्टम रिबूट मांगेगा, तो आपको रिबूट कर देना है, ठीक है। तो रिबूट करने के बाद आपका फिफ्थ स्टेप गेम लूप का सेटिंग्स, तो चलिए ओपन कर लेते हैं गेम लूप का सेटिंग्स।
इसे आने के बाद आपको रन बटन को ऑफ कर देना है। उसके बाद इंजन इंजन पे ए वाला सेटिंग्स आपको कॉपी कर देना है, ठीक है। अगर आपके पास ग्राफिक्स कार्ड नहीं है तो मैं प्रीफर करता हूँ आपको ओपन जी पे खेले, क्योंकि ओपन जी एल थोड़ा सा अच्छा चलेगा इंटेल एचडी ग्राफिक्स कार्ड पे, ठीक है, ना कि इन सब से। अगर आपके पास i9 है, आपके पास अगर i7 है, आपके पास अगर ग्राफिक्स कार्ड नहीं है इंटेल पे खेलते हो, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप डायरेक्टएक्स सेलेक्ट कीजिए। डायरेक्टएक्स बेटर परफॉर्मेंस देगा ना इस हिसाब से, ठीक है। अगर आपके पास i3 है, जैसे मेरे पास है, वैसे मेरे पास ग्राफिक्स कार्ड है तो मैं इसलिए डायरेक्टएक्स सेलेक्ट करता हूँ। डायरेक्टएक्स होता है इम्यूलेटर के लिए बेस्ट होता है, इम्यूलेटर के लिए ओनली डायरेक्टएक्स से आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस मिलेगा और टेक्सचर कलरिंग वगैरह सब अच्छा मिलेगा, ना कि आपका ग्राफिक्स कार्ड से। कुछ कुछ बंदा बोलेगा कि ओपन जी एल करो। ओपन जी एल होता है, बट मैं प्रीफर करता हूँ सब लोग जो स्ट्रीमर वगैरह जो स्ट्रीम करते हैं, वो जो गेम खेलते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस चलता है, जो डायरेक्टएक्स अपना CPU यूज ही लेगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्टएक्स प्लस पे किया था, बट मुझे भाई CPU मतलब इतना खास नहीं लगा और थोड़ा सा लैगी टाइप का फील आ रहा है, क्योंकि मेरे पास i3 है, तो मैं सिंपल पे जाऊंगा, ठीक है। तो मैंने डायरेक्टएक्स को सिलेक्ट किया, उसके बाद चारों को टिक मार्क कर दिया। एंटी एलियासिंग क्लोज, मेमोरी को आपको कुछ मत करना देना है ऑटो पे, क्योंकि अपने को बस परफॉर्मेंस चाहिए, तो जितना हो सके ले ले। वैसे 4GB के ऊपर नहीं लेता है ये वाला मेमोरी, मैंने ऑलरेडी देखा है इमेज सॉफ्टवेयर बनने से। उसके बाद प्रोसेसर, आपका प्रोसेसर भी ऑटो कर देना है, कुछ मत छेड़ना है, ठीक है। अपना जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है उसे ही आप सिलेक्ट कीजिए। अगर आपके पास लो एंड कंप्यूटर है, जैसे आपके पास ग्राफिक्स कार्ड नहीं है, ठीक है, तो मैं प्रीफर करूँगा आपको 720p के लिए। 720p ये होगा कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा देगा और थोड़ा सा आपका दूर का एकदम व्यू डिस्टेंस होगा ना, वो थोड़ा सा ब्लोरी टाइप का दिखेगा, बट कोई नहीं, आपको बस खेलना है, आपको विदाउट लैग खेलना है, तो आपको अपना 720p कर देना है। उसके बाद DPI 240, मैं प्रीफर करूँगा ओनली 240, उसके ऊपर मत जाइए। उसके बाद गेम सेटिस्फाइड है, जिन लोगों के पास ग्राफिक्स कार्ड नहीं है तो उन लोग 720p खेलिए, अच्छा परफॉर्मेंस आएगा। और जिन लोगों के पास मिड रेंज 1GB 2GB 3GB, जैसे मेरे पास 4GB ग्राफिक्स कार्ड, तो मैं 1080p सेलेक्ट कर रहा है। अगर आपके पास 1GB ग्राफिक्स कार्ड है, 2GB ग्राफिक्स कार्ड है, तो इजीली 1080p सेलेक्ट करिए और सिंपल आपको स्मूथ करना है, ना कि HD करना है, ठीक है। सिंपल स्मूथ कर देना है और सेव कर देना है, ठीक है। सेव करने के बाद आपको इसे फिर से रिस्टार्ट कर देना है गेम लूप अपना, इसे ओपन करना है। तो गेम ओपन करते हैं, तो गेम ओपन होते ही आपको इसे क्लोज कर देना है, ठीक है। ऐसे एग्जिट बटन को क्लिक कर देना है, उसके बाद आपको अपना कीबोर्ड पेस्ट F9 दबाना है। F9 दबाने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस आएगा, उसके बाद आपको जाना है सेटिंग्स, जाने को एकदम लास्ट पे आपको अबाउट टैबलेट पे जाना है और आपको बिल्ड नंबर पे 7 बार क्लिक करना है। जब आपका दिखाएगा कि यू आर डेवलपर, तो आपको कैंसिल करके बैक करना है। उसके बाद आपको आपके पास ए वाला ऑप्शन आएगा, ठीक है, डेवलपर ऑप्शन, तो डेवलपर पे ऑप्शन पे जाइए। और जाने के बाद आपको 4GPU रेंडर इसे आपको इनेबल कर देना है, ठीक है, इसे इनेबल कर देना है। उसके बाद अगेन आपको जस्ट सिंपल रिस्टार्ट कर देना है अपना गेम लूप को, ठीक है। मैं फिर से एक बार रिस्टार्ट कर देता हूँ। और जिन लोगों के पास ग्राफिक्स कार्ड नहीं है, तो आप विंडोज मोड पे खेलिए, जैसे ये ओपन हो रहा है गेम, ऐसे ही खेलिए, तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा लगेगा, ना कि फुल स्क्रीन की है। फुल स्क्रीन अगर करोगे ना, तो फुल स्क्रीन पे जिन लोगों के पास ग्राफिक्स कार्ड नहीं है भाई, उन लोग तो मर जाएगा भाई FPS के लिए। जब बंदे लोग आएंगे सामने, तो बहुत FPS गिरेगा। अगर आप ऐसे खेलोगे ना, तो आपका FPS भी सही रहेगा और लैग भाई होगा, थोड़ा होगा, इतना नहीं होगा कि आप खेल नहीं पाओगे, मार नहीं पाओगे बंदों को। तो सिंपल ऐसे ही खेलिए, जिसके बोल लोगों को बस आपको ग्राफिक्स कार्ड नहीं है। तो मैं इसे फुल स्क्रीन कर देता हूँ और लास्ट है आपको टास्क मैनेजर ओपन करना है। उसके बाद डिटेल्स, यहाँ पर जाने के बाद आपको ऐप मार्केट को एंड कर देना है, एंड टास्क, और एंड्रॉयड इमुलेटर exe को प्रॉपर्टीज कंपेटिबिलिटी जाने के बाद आपको इसे टिक मार्क कर देना है। रन दिस प्रोग्राम एज ए एडमिनिस्टर, चेंज सेटिंग ऑल यूज़र, यहाँ पर जाकर डिसेबल फुल स्क्रीन ऑप्टिमाइजेशन को सिलेक्ट कर देना है और इसे करके अप्लाई कर देना है, ठीक है।
करने के बाद आपको जस्ट पीसी एकदम आपके पीसी पे जो टेम्पररी फाइल है ना, जैसे मैं अपना पीसी पे जो टेम्पररी फोल्डर होता है ना, उसे आप सारे को सारे क्लियर कर दीजिए टेम्पररी फोल्डर। तो अगर टेम्पररी फोल्डर को डिलीट करने के बाद ना आप गेम ओपन कीजिए, ठीक है। गेम ओपन करने के बाद आपका गेम एकदम मक्खन की तरह चलेगा, ठीक है। तो मेरा गेम ओपन का, तो ट्रेनिंग मोड पे थोड़ा आपको गेम में हम दिखा दें। तो गेम मेरा ओपन हो गया, ठीक है। गेम ओपन होने के बाद आपको ग्राफिक्स पे आना है, और जिन लोग पास 1 GB या 2 GB ग्राफिक्स कार्ड है तो वो लोग HD पे खेलिए, ठीक है। HD पे होगा कि आपका फ्रेम एकदम मक्खन की तरह चला है, ना कि ड्रॉप है। HD पे ये होगा कि आपका ग्राफिक्स कार्ड फुल पोटेंशियल पे यूज़ होगा, ठीक है। और आप अगर स्मूथ मोड पे खेलेंगे, जिन लोगों पास ग्राफिक्स कार्ड नहीं है वो लोग स्मूथ मोड पे खेलिए, ठीक है। उन लोगों के स्मूथ पे और अल्ट्रा पे खेलिए, ठीक है, ना कि एक्सट्रीम। एक्सट्रीम भाई तुम लोग जब तब करना जब तुम्हारे पास ग्राफिक्स कार्ड होगा, ठीक है। जैसे मैं अल्ट्रा पे कर दिया, ठीक है। अल्ट्रा पे ये होगा कि आपका कंटिन्यूसली 40 FPS आएगा, आप खेल पाओगे। अगर आप एक्सट्रीम कर दोगे तो आपका बॉटल मतलब थोड़ा सा FPS ड्रॉप होगा, ऐसे FPS अप होगा, FPS ड्रॉप होगा, ऐसे ऐसे चलेगा। आप अल्ट्रा पे कीजिए तो आपका गेम एकदम 40 FPS के ऊपर और नीचे जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मतलब देखो कंटिन्यूसली 40 FPS आएगा, ठीक है। जिन लोगों को बस ग्राफिक्स करना है और जिन लोगों को बस ग्राफिक्स करना है तो HD एक्सट्रीम कर दीजिए। करने के बाद शैडो को डिसेबल, ठीक है। ब्राइटनेस में आपके आपके हिसाब से खेलिए। ऑटो एडजस्ट को डिसेबल, एंटीलेस को डिसेबल, कलरफुल मोड, बस यही है। शैडो को डिसेबल कर दीजिए तो परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा। शैडो को इनेबल भी कर सकते हो, बट शैडो को अगर ऑफ करके खेलोगे तो ज़्यादा परफॉर्मेंस मिलेगा, ठीक है। देखिए मेरा 57, 56, 58, 60 FPS ऐसे करके आ रहा है FPS। तो गाइस यही था वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर करिए। जिन लोग अगर लैग की वजह से खेल नहीं पा रहा है, ठीक है, तो उन लोगों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कल का स्ट्रीम पे। बाय, सी यू, बाय बाय।